हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आपके साथ में हूँ फॉर नबार्ड ग्रेड ए 2021। रिसेंटली नबार्ड ग्रेड ए का रिजल्ट आया है और आप में से बहुत से लोग होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द मेंस। मेंस के लिए आपकी स्ट्रैटेजीज बहुत बदल जाती हैं बिकॉज आपको डिस्क्रिप्टिव पर वर्क करना है। आप कंटेंट पढ़ चुके हैं लेकिन अब आपको कंटेंट को लिखने के तरीके पर वर्क करना है। यू हैव टू वर्क हार्डर टुवर्ड्स दैट एरिया। एट द सेम टाइम आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पर भी ध्यान देना है कि आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के पोर्शन को किस तरीके से लिख कर दिखा रहे हैं। दोज आंसर्स हाउ आर दे एग्जैक्टली रिटन एंड हाउ टू वर्क ओवर दीज थिंग्स, ऐसे क्वेश्चन मार्क्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होंगे। और साथ साथ जो चीज़ अलग से जुड़ जाती है वो ये है कि अगर मैंने इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पर कोई आंसर लिखा है, हु इज़ गोइंग टू इवैल्यूएट इट। मुझे तो पता नहीं चलेगा ना अगर मैंने कुछ लिखा है कि उसमें कहाँ पर कौन सी कमी रह गई है। इज़ देर एनीबडी हु कैन डू दैट? या मैंने जो डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखा है मैं उसको मार्किंग नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मैंने तो लिख कर देखा है, मुझे उसकी गलतियाँ कैसे मिलेंगी? सो समटाइम्स विद दीज क्वेश्चन मार्क्स यू आर स्टिल राइटिंग योर आंसर्स, बट द नेक्स्ट पॉइंट यू कैन डू इज यू कैन लुक फॉरवर्ड टू द टेस्ट सीरीज। अभी पीडिया के पास एट प्रेजेंट आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टेस्ट सीरीज आई हैं जो सेक्शनल भी हो सकते हैं, यानी कि आप चाहो तो आपकी जो वीक पोर्शंस हैं आप सिर्फ उनकी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं या आप एंटायर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। फॉर दैट ऑल यू नीड टू डू इज एक बार पोर्टल पर जाकर उसको चेकआउट कीजिए कि क्या हमारे पास टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है, सो दैट आप डिसाइड कर सकें कि क्या आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है जो आप सेक्शन लेना चाहें या मेंस लेना चाहें या फिर आप पर्सनल इवैल्यूएशन के साथ में चलना चाहते हैं। देयर इज ऑलवेज योर कॉल, बट मेक श्योर कि अब क्योंकि मेंस का समय आ चुका है आपके पास टाइम कम है बिकॉज द एग्जामिनेशन इज नॉर्मली कंडक्टेड विद इन 1 month ऑफ द पीरियड जब वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। सो आपके पास टाइम लेस देन 1 month डेफिनेटली है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एक्ट। स्ट्रैटेजीज बन चुकी होनी चाहिए इस समय तक और अब आपका सारा ध्यान एग्जीक्यूशन ऑफ द कंटेंट की तरफ रहना चाहिए, आपका जो प्रिपरेशन है उसकी तरफ रहना चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद हाउ कैन यू यूज अभिपीडियाज पोर्टल फॉर योर प्रिपरेशन फॉर नबार्ड ग्रेड ए। नबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन करते समय आप जिन चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं, यू नीड टू गो ऑन टू द पोर्शन ऑफ चूज एग्जाम और यहाँ पर है आपके पास नबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम, यानी ठीक है यहाँ पर आप जाएंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। दिस इज वेयर यू विल लैंड, ठीक है। सो ये खुला आपका नबार्ड असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम। इसके अंदर जब आप नीचे की तरफ आएंगे सो देयर यू विल फाइंड, आपको ऊपर के वो जो स्ट्रिप चल रही थी उसमें भी आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, बट अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। दिस इज़ द एरिया जहाँ पर आपके पास ऑल कोर्सेज का ऑप्शन अवेलेबल है। कैन यू सी यहाँ पर एक पॉइंट है जैसे हम कहते थे टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के अंदर जब आप जाएंगे तो दीज आर ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट जो हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। एज पर योर नीड आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से आप चल सकते हैं, लेट्स लुक फॉरवर्ड टू इट। हमारे पास दीज आर द काइंड ऑफ टेस्ट जो आपके पास अवेलेबल है। देर आर प्री, देर आर मेन्स, प्रीलिम्स, देन सेक्शनल एज वेल एज द कंप्लीट टेस्ट सीरीज। अब प्रीलिम्स तो हो चुका है सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स वॉट इज अवेलेबल फॉर द मेन कोर्स। मेन्स के लिए आपके पास ये रही मेन्स की, हमारे पास आपके लिए 4 तरह की टेस्ट सीरीज आ जाती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम नबार्ड ग्रेड ए सिर्फ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट। फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं कि हमें इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव लिखना आता है, वी डोंट नीड टू लुक फॉरवर्ड टू एनीथिंग एल्स, बट कोई इवैल्यूएट तो करके बता दे कि कहाँ पर आई एम मिसिंग आउट या कौन सी चीज़ें जिस पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा। सो द नंबर वन इज़ नबार्ड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव जिसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। नेक्स्ट इज योर नबार्ड ESI प्लस ARD। ESI और ARD बहुत से स्टूडेंट्स ने फेज़ 1 में ही पढ़ लिया था अच्छे से क्योंकि सिलेबस तो वही है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि हमने किस तरीके से लिख कर दिखाना है, क्या जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ इज़ इट रियली गोइंग इन द करेक्ट वे। तो वो उसके लिए आपके पास आ जाता है ESI और ARD का कंबाइंड टेस्ट जो आपको मिलेंगे उसमें 10 टेस्ट। उसके बाद आपके पास आ जाता है ESI और ARD का आपके पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी अवेलेबल है बिकॉज आपका जो फेज 2 है वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव है। सो अगर आपको लगता है सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है, यू डोंट नीड टू लुक फॉरवर्ड टू डिस्क्रिप्टिव, आप वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव का भी टेस्ट दे सकते हैं जिसमें आपके पास 20 टेस्ट हैं। और आखिरी है द फेज 2 मेन्स, यानी कि एक पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर आपको सबके टेस्ट मिल जाएंगे, नॉट ओनली इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, नॉट ओनली ESI, नॉट ओनली ARD, बट ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव सब कुछ एक ही कोर्स के अंदर जिसमें आपको मिलते हैं 40 टेस्ट।
सो ये है हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपके लिए अवेलेबल है। बट अगर कई बार बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं दैट इज़ जस्टिफाइड इवन कि आपके केस में क्या हुआ, आपको पूरा टेस्ट सीरीज नहीं बाय करना है, यू वॉन्ट टू बाई ओनली सम सर्टन सेक्शनल टेस्ट, आपको सिर्फ सेक्शंस के अकॉर्डिंग चलना है, तो आपके पास सिर्फ सेक्शन के टेस्ट भी आ जाते हैं। आप सिर्फ इंग्लिश बाय कर सकते हो, आप सिर्फ ESI और ARD का डिस्क्रिप्टिव बाय कर सकते हो, या आप उसका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी बाय कर सकते हो, और इसी के साथ साथ आपके पास कंप्लीट टेस्ट सीरीज के भी ऑप्शन अवेलेबल रहती है। ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स एनी ऑफ दीज टेस्ट की किस तरीके से आप दे सकते हैं टेस्ट एंड वाई अभिपीडिया। सबसे पहला क्वेश्चन क्यों, तो सबसे पहली चीज़ याद आती है कि हम आपको ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड करवा रहे हैं जहाँ पर आपका कीबोर्ड बेस्ड टेस्ट हो सकता है, मतलब जिस तरीके से आपका रियल टाइम पेपर में आपका प्रिपरेशन चल रही होगी, आपको पीछे काउंट डाउन रहेगा, प्लस आपके पास कीबोर्ड के थ्रू आपको कंप्यूटर्स पर लिखना है, वैसा ही सेम आपके पास हमारे पोर्टल पर भी अवेलेबल है। बिल्कुल सेम तरीके से आप वहाँ पर पेपर दोगे, सेम तरीके से आपको यहाँ पेपर देना है। सो एक बार देख ले क्या ये चीज़ किस तरीके से करनी है, क्या है इंटरफेस। जैसे मैंने बोला कि मुझे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट देना है, मैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के पोर्शन में जाऊंगी और यहाँ पर आकर मेरे पास वो टेस्ट अवेलेबल हो गए। अब इसके अंदर मैंने डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो फर्स्ट टेस्ट है मुझे वो देना है, दिस इज़ द फर्स्ट टेस्ट, मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट टेस्ट हूँ। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आपके पास तीन आएंगे टॉपिक्स, तो वो तीनों के लिए मैंने क्या किया, तीन क्वेश्चंस होंगे, तो मैंने स्टार्ट टेस्ट कर दिया, यहाँ पर ये आया इसकी डिटेल, और इसके बाद मैंने कर दिया स्टार्ट टेस्ट। अब मैंने टेस्ट स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर देखिए ऊपर काउंट डाउन आपका चल रहा होगा, आपके क्वेश्चन यहाँ लिखे होंगे और यहाँ पर जाकर आप टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, अब कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्लिक हेयर टू अटेम्प्ट पर जब आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये रहा आपका राइट आंसर है, दैट मीन्स आपने यहाँ पर आंसर लिखना है, और उसके लिए आपके पास आपका कीबोर्ड अवेलेबल होना चाहिए और बस आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग QWERTY हेयर, सो अब यहाँ पर ये चीज़ आपको डिटेल्स दिखेंगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरीके से चल रहे हैं, आपका वर्ड काउंट आपको दिख रहा होगा, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो ये आपको प्रोवाइड करवाता है वो पूरा रियल टाइम जो आपकी प्रैक्टिस है ना फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इन केस आपकी प्रिपरेशन आपकी तरफ से डन है, आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज की जरूरत रहती है, देन दिस इज द प्लेस वेयर विच यू कैन ऑप्ट फॉर, क्योंकि ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप अभी लिख लिख कर देख रहे होंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड पर आप वर्क नहीं कर पाएंगे, राइट। सो यू नीड टू वर्क अपॉन दीज थिंग्स, प्लस दीज आर इवेलुएटेड बाई एक्सपर्ट फैकल्टी विच विल बी हेल्पिंग यू फर्दर कि कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है टेस्ट के अंदर, और इसकी डिटेल्स आपको इनके जो रिव्यूज़ हैं टीचर्स के वो आपको साथ साथ अवेलेबल हो जाएंगे। बस आपको टाइम का ध्यान रखना है, अपने कंटेंट का ध्यान रखना है, बाकी आपकी प्रैक्टिस और व्यू करने के तरीके पर डिपेंड करेगा कि हम लोग कैसे उसको जब इवैल्यूएट करेंगे आपकी जो गलतियां रहेंगी या उसमें कहीं पर कोई चीज़ है जो इम्प्रूव की जा सकती है आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं एंड देन यू कैन सबमिट इट। सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है सबमिट टेस्ट का और ये टेस्ट चला जाएगा सबमिट होने के लिए, दैट्स इट। छोटी सी प्रोसेस और बट ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू आपको बहुत मदद हो सकती है, क्योंकि चीज़ें पढ़ ली हैं तो इस समय पर आपको टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, वेयर डू आई एग्जैक्टली स्टैंड इन टर्म्स ऑफ NABARD ग्रेड एग्जामिनेशन। सो डू नॉट वेट एनी लॉन्गर, इस समय आप अपनी टेस्टिंग पर फुल फोकस डाल दीजिए एंड मेक श्योर दैट यू आर नॉट लीविंग अ लिटिल स्पेस इवन इन योर प्रिपरेशन, जहाँ पर कल को इस बात का इतना सा भी रिग्रेट रहे कि क्यों मैंने ये चीज़ ऑफ नहीं किया, मैंने अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस क्यों नहीं की। सो अपनी प्रैक्टिस करते चलिए और खुद को टेस्ट करते चलिए, योर टेस्ट आर गोइंग टू पुट यू इनटू दैट सिचुएशन वेयर यू आर मेंटली स्टेबल इनफ कि अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, यू आर मेंटली ट्रेंड इनफ कि आपको पता है कि पेपर में एंग्जाइटी या स्ट्रेस आपको आपके पेपर को अफेक्ट नहीं करने देगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें वर्क किया जाए, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो मेक श्योर कि आप अपनी तरफ से टेस्टिंग की तरफ मूव जरूर कर रहे हैं, और अगर आपको ये स्पेसिफिक चीज़ पसंद आ रही है देन गो एंड चेक आउट द पोर्टल, पोर्टल की डिटेल्स आपको यहीं पर नीचे अवेलेबल है। अगर आपको लगता है दैट अभिपीडिया विल बी एबल टू हेल्प यू देन गो एड एंड चेक इट आउट, और आप इसका फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है और हमारे दूसरे भी टेस्ट आपके पर सेक्शनल टेस्ट और ऑब्जेक्टिव सब अवेलेबल है, सिर्फ एक बार आपको अपनी सूटेबिलिटी चेक करनी है, व्हाट सूट्स यू बेटर एंड यू कैन गो फॉर इट। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ आपकी मेहनत और आपकी टेस्टिंग, यही दोनों चीज़ें आपको मेंस तक लेकर आई हैं, यही दोनों चीज़ें आपको आगे भी लेकर जाएंगी। सो गो हैड एंड कीप डूइंग द वर्क। थैंक यू।